महापालिका की तरफ से होने वाले टेस्ट पहले से जो 50 थे और बाकी लोगों को प्राइवेट लैब से या फिर प्राइवेट रेट पर टेस्ट करवाने पड़ते थे, उसके लिए महापालिका ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 300 फ्री टेस्ट करने का डिसीजन लिया है। और हमने हमारा टेस्टिंग सेंटर जो पहले सिर्फ टाटा अमनतारा में था उससे चेंज करके उसको रईस स्कूल में कर दिया है। तो कोई भी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट है और उनको अगर फ्री में टेस्ट करवाना है तो हम उनसे अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्टैक्ट करें रईस स्कूल में, वहाँ पर उनका फ्री में टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट लैब से भी उनकी रेट फिक्स करके रखी है, तो किसी के पास अगर कंप्लेन आती है कि ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं उनसे, तो प्राइवेट लैब की भी कंप्लेन, तो आप हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा सारे नागरिकों से मेरी अपील है कि हम आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर कोविड अस्पताल और सुविधाओं में और बढ़ोतरी करने वाले हैं। कोविड केयर सेंटर हमने रईस स्कूल में एक नया शुरू किया है 400 की कैपेसिटी का, उसी के साथ ही चाचा नेहरू स्कूल के अंदर 170 की कैपेसिटी का कोविड केयर सेंटर शुरू है। वो कल सुबह से हम लोग उसमें सारा स्टाफ और देकर शुरू करने वाले हैं, वहाँ पर 170 की कैपेसिटी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा हम लोग DCHC ऑक्सीजन लाइन के साथ में खुदाबख्श हॉल में काम चल रहा है, वो कल शाम तक कंप्लीट हो जाएगा और परसों सुबह से खुदाबख्श हॉल में नया कोविड हॉस्पिटल शुरू करने वाले हैं 120 की कैपेसिटी का। और उसके अलावा एक सेंटर हम पोस्टवाल हॉल के अंदर 100 बेड का कोविड अस्पताल कल से काम वहाँ शुरू होगा अगले 2 या 3 दिन के अंदर। इस तरीके से हम कोविड फैसिलिटी है उसके अंदर कम से कम 2000 से लेकर 2500 तक की कैपेसिटी अगले एक हफ्ते के अंदर हमारे शहर में शुरू करने वाले हैं।